हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं गुण पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। पोटास से संबंधित एक तो कमेंट आया था, एक तो दोस्त ने बताया था कि वो जब पोटास खरीदे एक तो शॉप से म्यूरेट ऑफ पोटास को, तो उसके बाद एक बगल वाले दुकान वाले ने उनको कहा कि आप जो पोटास खरीद रहे हो वो नकली है, असली पोटास सफ़ेद कलर का होता है और ये है। और उन्होंने उनको थोड़ा सा दिया था पोटास, इसको आप टेस्ट करके देखिएगा तो ये असली पोटास है और जो आप ले रहे हैं वो नकली पोटास है। तो वो भाई बहुत ही भ्रमित थे कि ये जो पोटास में से दोनों में से क्या है। तो ऐसे में भ्रम और भी बहुत से किसान भाई को होता है क्योंकि दुकान वाले उनको भ्रमित कर देते हैं। तो आज के इन वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पोटास कितने टाइप से होते हैं और कौन सा पोटास असली तथा कौन सा पोटास नकली है। तो क्या सफ़ेद वाला पोटास असली होता है और रेड वाला पोटास नकली होता है, इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे। तो फिर सबसे पहले देखते हैं कि पोटास कितने टाइप से होते हैं। पोटास दो टाइप से होते हैं जो हमको मार्केट में अक्सर मिलता है। पहला होता है पोटेशियम क्लोराइड, जिसको हम लोग MOP बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास, जो हमको सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट संस्था से मिलती है। और सेकंड होता है पोटेशियम सल्फेट, जो कि सफ़ेद कलर का होता है। तो फिर देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है तथा दोनों में क्या अंतर है तथा दोनों में से कौन सा हम लोग यूज़ करें और दोनों में से कौन सा नकली तथा कौन सा असली। सबसे पहले हम लोग देखते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास को, MOP को, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है KCL। देखिए, म्यूरेट ऑफ पोटास नमक और मिर्च के जो पाउडर का जो कम्बिनेशन होता है वैसी टाइप से वो दिखता है, जो अक्सर बहुत सारे किसान उसको देखे होते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% इसमें पोटास होता है और लगभग 47% इसमें क्लोरीन होती है। तो ये क्लोरीन जो है क्या करता है कि ऐसे बहुत सी जो फसल है उसमें क्लोरीन नुकसानदायक भी होता है, तो ऐसे सेलेक्टेड फसल में हमको म्यूरेट ऑफ पोटास का यूज़ नहीं करना होता है। इसके बाद सेकेंड होते हैं पोटेशियम सल्फेट, जिसमें 48% इसमें होता है पोटास और इसमें क्लोरीन नहीं होता है और 100% वाटर सोल्यूबल होता है। 100% वाटर सोल्यूबल म्यूरेट ऑफ पोटास भी होता है। सफ़ेद जो पोटास होता है, जो कि पोटेशियम सल्फेट हम लोग बोलते हैं, वो थोड़ा सा महंगा होता है। उसका रीज़न ये रहता है क्योंकि ना वो पोटेशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम सल्फेट मिला के उसकी क्लोरीन की मात्रा को हटाया जाता है। इसीलिए ये वाले जो पोटास रहते हैं, सफ़ेद वाले पोटास, ना मिट्टी को अम्लीय करते हैं ना मिट्टी को क्षारीय करते हैं, ये मिट्टी को संतुलित रखते हैं। ये वाले पोटास से ना मिट्टी अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। तो हम लोग ना देखते हैं कि दोनों पोटास में से कौन सा पोटास को हम लोग यूज़ करें तो कौन सा पोटास नकली या कौन सा पोटास असली है। देखिए, दोनों पोटास असली होते हैं, दोनों पोटास में से कोई भी पोटास नकली नहीं होता है। लेकिन कई तो ऐसे फसल होते हैं जो जिसमें क्लोरीन साइड इफेक्ट करता है, जैसे कि अपना आलू का फसल हुआ, तंबाकू का फसल हुआ, वहाँ पे क्लोरीन नुकसानदायक होता है। तो आलू तथा तंबाकू के फसल में आप MOP या फिर म्यूरेट ऑफ पोटास का यूज़ न करके आप वहाँ पे पोटेशियम सल्फेट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आलू तथा तंबाकू की गुणवत्ता उसमें बढ़ जाती है। पॉइंट में हम लोग आते हैं। पॉइंट ये है कि वो जो दुकान वाला बोल रहा था कि ये लाल वाला जो पोटास जो आप ले रहे हैं वो नकली है, सफ़ेद वाला असली है, तो वो झूठ बोल रहा था। आप दोनों में से कोई भी पोटास खरीदते हैं तो दोनों पोटास असली है, बस म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पोटास होती है और थोड़ा क्लोरीन होता है, और जो पोटेशियम सल्फेट में 48% पोटास होता है और उसमें क्लोरीन नहीं होता है। म्यूरेट ऑफ पोटास सस्ता होता है अस फॉर कंपेयर पोटेशियम सल्फेट के मुकाबले, क्योंकि उसको अलग से उसको प्यूरीफाई किया जाता है, इसलिए उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। दोनों के दोनों वाटर सोल्युबल होते हैं। तो फिर उम्मीद है आज का जो वीडियो आपके कुछ काम आए, वीडियो से संबंधित कुछ भी आपके सवाल दस सुझाव तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, अगर आप नए हैं तो हमारे जो चैनल है उसको आप करिएगा सब्सक्राइब, तो उसके बगल में आ घंटी को प्रेस करें, जिससे कि जब भी खेती से संबंधित जैसे नया नया वीडियो डाले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय